नमस्कार जोहार गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म फिर से जो ओपन हुआ है उसके संबंध में। मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि यह प्रक्रिया मेरे ख्याल से तीसरी बार है जब फॉर्म भरी जानी है ना। तो जो लोग आगे जो पिछली प्रक्रियाओं में कह सकते हैं वंचित रह गए हैं, नहीं भर पाए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब भी मैं झारखंड के किसी इस तरीके के परीक्षाओं का बारंबार डेट टलते हुए देखता हूँ और इस तरह की प्रक्रियाओं में जितनी भी विसंगतियाँ होती हैं और विलंब होती हैं और इससे बीच में जो विद्यार्थी पीसते हैं उसको देखते हुए मुझे शेर याद आता है गालिब का कि उसने कहा कि माना कि तगा फूल न करोगे तुम, माना कि तगा फूल न करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तेरे आने तक। तो इन वैकेंसियों को देखने के बाद ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए और अपनी जितनी भी कह सकते हैं क्षमता है, हमारे पास जो हथियार है उसका वो करना चाहिए। एक से इसी के कंटिन्यूशन में और भी है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा शौक देख इंतजार देख, है ना। खैर चलिए, हंसी अपने दुखों को छुपाने के लिए इस तरीके की कुछ ज़रूरी होता है कि आप कुछ चीज़ें हों आपके पास, है ना, गालिब जैसा शायर गज़लकार, तो ये सब थोड़ा सुकून देता है। खैर, तो जो ये फिलहाल 22 मार्च को मेरे ख्याल से यह नोटिफिकेशन आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग वंचित रह गए हैं, चूंकि वंचित ही नहीं, दरअसल कुछ और भी बाद में संशोधन हुए ना, जिसमें अगर संशोधन किए गए इसके पूरी नियमावली में, तो जाहिर सी बात है कुछ नए लोगों को भी इसमें अवसर मिल रहा था, तो इस वजह से यह प्रक्रिया फिर से ओपन होनी थी। तो एक बात जान लीजिए कि यह प्रक्रिया अगर फिर से शुरू हो रही थी, इसमें केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं खुलेगी जिनके लिए संभावनाएं खुली, मतलब ये कहें कि जो नए लोग जुड़ेंगे केवल उनके लिए नहीं, जो लोग रह गए किसी कारणवश, क्योंकि जब दूसरी बार खुला था तो इसके लिए बहुत कम समय दिया गया था, 3-4 दिनों में ही करना था, बहुत से लोगों तक ये खबर पहुंची भी नहीं और ये डेट ख़त्म हो गई, है ना। तो ये सबके लिए अवसर है, जो लोग रह गए थे उनके लिए ये फॉर्म फिर से भर सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जो चीज़ें हैं बहुत, ये जो मेरे ख्याल से वैकेंसी है, जो पूरी इसका जो ब्रोशर है इसको आप पढ़ने से बहुत डाउट है, बच्चों के बहुत तरह से इससे संबंधित संदेह आते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं कि क्या सब विषय को लेकर, इनकी नियमावली को लेकर, है ना, तरह तरह के प्रश्न आते हैं। तो जितना मैंने अब तक आप लोगों के प्रश्नों को मैंने ले पाया हूँ उनके अनुसार मैं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा, है ना। और तब भी अगर कुछ रह जाएंगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यह फिलहाल 22 मार्च है ना, 22 मार्च को जो यह सूचना जारी हुई इसमें क्या खास है। तो इसमें देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना इतना के तहत प्रावधानानुसार झारखंड विद्यालय, ये सब देख लीजिए, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करने की तिथि, जो आप पंजीकरण करेंगे इसके लिए, तो यह तिथि दे रखा है आपको, 23 से ही शुरू हो गया है, मतलब अभी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो 23 से शुरू हो गया है ना, और ये चलेगी 6 कौन सा अप्रैल हो जाएगा ना जी, तो 6 अप्रैल तक चलेगी। तो कुल मिला के आपके पास 15 दिनों का समय जैसा लग रहा है ना, 15 दिन नहीं तो 10-12 दिन का समय आपको दे रहा ना। इसके अलावा जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए जो तिथि दी गई है वह 8/4/2024 तक, 8 अप्रैल तक आप उसके मिडनाइट तक अर्थात 11:59 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर, जो आपको फोटो और साइन जो अपलोड करने की तिथि दी गई है वह दिया है 10 अप्रैल 2024 तक की मध्य रात्रि तक आप फोटो और साइन को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन, अर्थात आप कुछ इसमें संशोधन अगर करना चाह रहे हैं, कुछ आपकी गड़बड़ी हो गई फॉर्म भरने में, देखिए कुछ कुछ मेजर मिस्टेक्स जो होते हैं उसको आप नहीं सुधार सकते हैं, अगर आपने नाम ही गलत लिख दिया, मान के चलिए आपने ईमेल आईडी गलत भरा, तो ये सब नहीं होता है ना, कुछ जो बहुत सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इधर उधर आपने कुछ किया है तो उसको संशोधन आप कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य तिथियां हैं इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये संशोधन के लिए 2 दिनों का तिथि दिया है, 11 है ना और 12 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, चूंकि कहीं कुछ मेंशन नहीं, लेकिन मैं अपना इंट्यूशन कह रहा हूँ कि जो लोग पहले भी फॉर्म भरे हैं और उनकी उनमें उससे संबंधित भी बहुत की आ रहा था डाउट कि सर मैं जो पहला पेपर है जिसमें लिखा है कि जो आप मध्य
क्या माध्यमिक में आपने जो पत्र रखा है वही क्या, ऐसा एज सच कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप केवल उसी पेपर को अपने पहले पत्र जो कि क्वालिफाइंग है उसमें उसी पत्र को रखेंगे जिसको आपने अपने दसवीं में पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा है, ऐसा नहीं लिखा है, है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि उसी को रखें क्वालिफाइंग, हिंदी या इंग्लिश रख के आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर आप 15 भाषाओं में से किसी एक को भी रख सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, तो ये बात है इसमें। ये तिथियां याद रखिएगा, 23 से शुरू हो गया है, आपको 23 से लेके 6 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 8 तक पेमेंट कर सकते हैं, 10 की मध्यरात्रि तक आप फोटो या सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो करेक्शन है वो 11 और 12 अप्रैल तक करी जा सकती है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू कन्वे विथ यू। इतना जो है इम्पॉर्टेंट नोटिस था, है ना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, है ना, कहाँ गया, एक चीज कि आप खुल के मेरा एक सेकेंड आ गया। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ बतानी थी वो कि अब कौन अप्लाई कर सकता है, ना। सीधी सी बात है कि जब ये नोटिफिकेशन आ गई तो सीधा सा प्रश्न है कि अब कौन आवेदन कर सकता है, एक मिलियन डॉलर का प्रश्न है। तो इसमें जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो कहा है, तो जो लोग JTET पास हैं, है ना, क्या है, जो लोग JTET पास हैं और नहीं भर पाए हैं पहले की जो आवेदन की तिथियां दी गई थी उसमें अगर नहीं भर पाए हैं तो JTET जो लोग पास हैं वो लोग भर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग CTET पास हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, CTET पास मतलब जो झारखंड के स्थानीय मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, स्थानीय निवासी हैं और जिन्होंने CTET पास कर रखी है तो वो भर सकते हैं अगर किसी कारण उसे वंचित रह गए थे पूर्व की प्रक्रिया में। और तीसरी बात, जो लोग TET पास हैं, TET इन द सेंस कि जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य मतलब बिहार हो गया या फिर कोई भी राज्य हो गया, तो उनके TET आपने पास कर रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस लेवल का आपने TET पास करिए, अगर 1-5 का तो 1-5 में ही भर सकते हैं, 6-8 लेवल का आपने TET पास करिए तो 6-8 में ही भर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम नेबरिंग स्टेट जो कि आपका पड़ोसी के राज्यों की अगर TET पास है तो आप भर सकते हैं, पर आपको झारखंड का होना अनिवार्य है, ठीक है, ये बात है। हाँ, एक चीज़ और जो पहले के प्रक्रिया में नहीं भरे होंगे वो यह था कि पहले की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें यह बात थी कि जिनका ग्रेजुएशन में 6-8 के लिए बता रहे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% उसमें मिनिमम रखा गया था, 50% की कम से कम 50% आपको ग्रेजुएशन में रहना चाहिए था। लेकिन जो संशोधित नियमावली आई उसमें क्या कहा गया कि 45% मतलब 5% की छूट दिया गया, लेकिन किन को, जो रिजर्व कैटेगरी में है, जिसमें ST SC OBC इन लोगों के लिए खास करके हैं। जनरल और EWS के लिए इन्होंने 50% ही रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग अगर अपने नंबरों की प्रतिशतता के आधार पर कम होने के कारण नहीं भर पाए थे तो वो भी भर पाएंगे इस बार, है ना। हाँ, इसमें एक बात यह भी थी कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं झारखंड की, जो आदिम जनजाति हैं, उनके लिए 7% का मतलब उसमें कमी करी है, मतलब 50 से 7 करेंगे तो 43% से अधिक जिनका भी होगा प्रिमिटिव ट्राइब से बिलोंग करते होंगे और उनका 43% अगर होगा ग्रेजुएशन से में तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस होल प्रक्रिया। ओके, तो इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इतना तो हो गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या बात है, हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ एक चीज़ और बताना था ना, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें एक चीज़ यह भी थी कॉमर्स वालों के लिए और इसमें कॉमर्स और कुछ और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे संबंधित एक गाइडलाइंस था कि जो लोग विज्ञान से ऑनर्स करे हैं या विज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज किए हों, या एग्रीकल्चर हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें 3 साल का जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है
इसके साथ साथ उसमें लिखा है संशोधन, जो पूरी संशोधन नियमावली उसमें ध्यान रखी गया पांच चीजें कौन कौन, तो एक हो गया साइंस, एक साइंस है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, इनको टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इनको अगर आपने एज ए ऑनर्स या फिर प्रोग्राम विषय के रूप में 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, बस ये बात कहा है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, है ना, इनको अगर आपने 3 साल पढ़ रखा है, एक बात। फिर दूसरी बात क्या कहा है, दूसरी बात यह है इसके अतिरिक्त आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या बायोलॉजी इनमें से में किसी दो को पढ़ा होना चाहिए। ये जो था इनमें अगर आपका 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इसके अतिरिक्त क्या है कि 2 साल यदि आपने, सॉरी 2 साल कह रहे हैं, 10+2 में यदि आपने क्या पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या बायोलॉजी, इनको इनमें से में किसी दो को पढ़े हों तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ये बात था इनके संदर्भ में, वो जो नियमावली है उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, और उसके बाद का आगे की प्रक्रिया तो है कि भाई आपको जे टेट या सी टेट या फिर बाकी नेबरिंग स्टेट के टेट पास होना चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन ये जो है बेस जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में मैं ये बात कह रहा था, है ना। तो ये बात हो गई, आगे आगे बढ़ते हैं ना इसमें। देखिए, और जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित एक छोटी सी हम चर्चा कर लेते हैं, हालांकि मुख्य तो यही था। अगर विज्ञान या गणित का कोई शिक्षक बनना चाहता है 6 to 8 के लिए, तो उसके लिए क्या है, भाषा पहला। अच्छा, इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भाषा एक, इसमें लिखा था कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, है ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप वही भाषा चुनेंगे, कहीं इस तरीके से नहीं लिखा है कि आप उसी भाषा को चुनेंगे जिसको आपने माध्यमिक स्तर तक अर्थात आप 10th स्तर पर पढ़े हों, है ना। उसमें 15 जो हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खड़िया, मुंडारी, खोरठा, कुड़ुख, ये सब पंचपरगनिया, इन मिला के जो 15 भाषाएं हैं, इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं आप, ये क्वालिफाइंग है ना। इसमें आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है ना। तो ये बात हो गया, ये क्वालिफाइंग है, अर्हक प्रवृत्ति का है। दूसरी जो भाषा है वह आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, फिर से 15 भाषाओं में से आपको किसी को चुनना है। इसकी खास बात यह होगी कि यह आपके मेरिट में जुड़ेगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पेपर जो कि कॉमन होगा सब में, वो होगा सामान्य अध्ययन, है ना, सामान्य अध्ययन, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, ठीक है। गणित, गणित इसमें क्या है, गणित अगर विज्ञान या गणित के हैं तो इसमें गणित के 60 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 60 प्रश्न, इनमें से में कोई 3 को चयन करना है, अर्थात आप देखेंगे तो ये जो 5 विकल्प आपके सामने हैं, गणित, रसायन, वनस्पति, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, अर्थात मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन 5 में से में किसी 3 का चयन करना है, ठीक है। चौथे पेपर में, 4 पेपर होंगे ना 6 to 8 में, पहला भाषा जो कि क्वालिफाइंग है, दूसरा भाषा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो मेरिट में आएगा, दूसरा तीसरा पेपर है जो कि जनरल स्टडीज होंगे, है ना। चौथा जो पत्र होगा, जो आप एक ऑनर्स जो होगा वो चुनेंगे, उसके बाद इन 5 में से में कोई कह सकते हैं 2 चुनेंगे, तो कुल मिला के 3 इनमें से आप चुनेंगे, इन 3 में से में 60 या कहेंगे तो 180, कुल मिला के आप देखेंगे तो ये 380 अंकों का आपका मेरिट बनेगा इस जो 6 to 8 का पत्र है उसमें। देखिए आगे का सिलेबस क्या है। हाँ, भाषा अगर कोई शिक्षक है, भाषा इन द सेंस उन 15 भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खड़िया, कुड़ुख, पंचपरगनिया और खुरठा और जितने भी हो गए संथाली जो कह रहे, जितने मिला 15 जो भाषाएं हैं उनमें से में उनका अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए भी पहला शर्त की वही जो अपना माध्यमिक स्तर का एक भाषा होगी जो क्वालिफाइंग प्रवृत्ति की होगी, अर्हक प्रवृत्ति की होगी, भाषा 200 प्रश्नों की होगी, वो जिस जो कि क्या होगा ये तो मेरिट में आएगा जैसा कि पहले था, वो सब कॉमन है, सामान्य अध्ययन भी वही है। अंग्रेज देखिए, भाषा शिक्षक के साथ जो एक चीज़ है जो थोड़ा सा डिबेटिकल है, इस पर डिबेट करी जा सकती है कि उसको अंग्रेजी के प्रश्न 90 होंगे, 90 प्रश्न कैसे, क्योंकि उसमें लिखा है 50% क्वेश्चन जो होंगे अंग्रेजी के होंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे आपका अपने संबंधित भाषा के, जो आपने जिसमें ऑनर्स कर रखी होगी, ग्रेजुएशन करा होगा उसके प्रश्न होंगे, है ना।
तो अंग्रेजी कि आपके इस तरीके से देखें, जो कि 180 प्रश्न इन मन से में पूछा जाना है, तो आप इस तरीके से देखेंगे। हाँ, इस तरीके से देखेंगे तो 180 हो गए ना, इन दोनों का 90 90, 180। तो जो भी भाषा से है, 90 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी के होंगे, 90 आपके संबंधित जो भाषा होगा उससे होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें डिबेट ये हो सकता है कि अंग्रेजी वाला जो अंग्रेजी होगा उसके साथ एक तरीके का पक्षपात ही है अगर देखा जाए तो। पता नहीं कौन ये सब सिलेबस बनाते हैं, हालांकि मैं भी अंग्रेजी पढ़ा हूँ, लेकिन ये समझ सकता हूँ ना भाई, जिसकी दूसरी भाषा है उसके लिए अगर कुछ रखना था तो क्वालिफाइंग जैसा रखा जा सकता है, लेकिन अपने मेरिट में जब रख देते हैं तो सीधे सीधा उन लोगों को आप लाभ पहुँचा रहे हैं जो अंग्रेजी अच्छे जानते हैं, है ना। अंग्रेजी जो लोग जान रहे होंगे उनके साथ सिद्ध में ये लाभ पहुँचाएगा, है ना। 90 प्रश्न उनके ही है, अगर किसी का मान के चलिए मेरा ही अंग्रेजी है तो मैंने तो सबका सब अंग्रेजी रख लिया, इसको छोड़ दीजिए, तो पहला भाषा अंग्रेजी, दूसरा भाषा अंग्रेजी, तीसरी भाषा भी जो आपका है वो भी अंग्रेजी हो जाएगा। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इन लोग सोचते नहीं है सिलेबस वगैरह बनाने से पहले कि क्या, कम से कम KVS NVS में जो तरीके के सिलेबस बनते हैं उन सब को भी बेहतर तरीके से देख सकते थे ये लोग, है ना। वो भाषा के नाम पर ही इन्होंने रखा तो ठीक है, तब ये तक काफ़ी था। अब ये क्वालिफाइंग जैसा क्या बहुत कुछ नहीं लगता रीजनेबल आप देखेंगे तो। खैर ठीक है, अब जो है, अब हम तो है नहीं वहाँ कि हम कुछ बोले, तो खैर ठीक है, ये है सिलेबस कुल मिला के भाषा शिक्षकों के लिए। अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा अगर ठीक से पास करना है और नौकरी लेनी है तो, और क्या ही करें हम, क्या ही कह सकते हैं, है ना। देखिए अगला कहाँ गया, अरे क्या कर रहे हैं भाई। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान वाले शिक्षकों के साथ क्या है देखते हैं। तो भाषा उनके लिए भी सेम है, देखिए भाषा 2 सेम है जो अभी बताया, सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न थे हैं, सेम है। उसके अतिरिक्त उनके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, ये जो 3 देख रहे हैं आप खास करके, और लेखा शास्त्र, व्यवसाय शास्त्र, ये सब कॉमर्स वालों को जब जोड़ा गया तो उनके लिए भी ये रखा गया, क्योंकि कॉमर्स वालों को भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया है ना। तो इसमें क्या है कि इनमें से देखिए, ये तो हो गया रहा, ये 200, और इसके बाद 3 इसमें चुनना है, सो 7 आप विकल्प देख रहे हैं आप, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र लिखता है, उनको पता नहीं कि राजनीति शास्त्र जैसा, मतलब नागरिक शास्त्र जैसा शब्द अब नहीं चलना चाहिए। NCF कई बार इसकी रिकमेंडेशन कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है वो लोग लिखता भी है नागरिक शास्त्र, तो वही है, ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं, उनको समझ थोड़ी आता। समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, इनमें से मैं किसी 3 को चुनना है, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इनमें से मैं आपका इस तरीके से देखेंगे तो आपका कुल मिला के वही 380 में से में ही बनना है। 380 होगा ना जी, 200, 180, 180, हाँ 380 में से में मेरिट बननी है, ठीक है। तो ये हुआ कुल मिला के मेरे ख्याल से, हाँ ये था कुल मिला के राजनीति शास्त्र, राजनीति का करें, सामाजिक विज्ञान वाले जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे उनके लिए ये सिलेबस था। थोड़ी सी आपको मतलब मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, बाकी तो आप अगर पढ़ने वाले हैं, नौकरी लेना है, तो थोड़ा सजग सतर्क रहिए और देखिए वो जो नोटिफिकेशन आते हैं और जो पूरी उसकी ब्रोशर है और जो नियमावलियों में संशोधन हुआ है उसको बढ़िया से देखिए। कुछ डाउट रहता है तो हमें भी बताइए, हम भी आपकी कोई अगर मदद कर पाएँ तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए 1 से 5 वाले शिक्षकों के लिए क्या है प्रावधान पाठ्यक्रम में खास करके, तो मातृभाषा वही वही है, मतलब मातृभाषा अपने सब प्रश्न होंगे वह अर्हक वाला ही है ना। इसमें मैंने अर्हक नहीं लिखा क्या, लिख देता हूँ भाई, ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है आपका ये। उसके बाद दूसरा है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, वह 100 प्रश्न मेरिट बनेगा। सामान्य ज्ञान समसामयिक की 50 प्रश्न ही है, उसमें 6 to 8 वाला 100 प्रश्न था। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान जो होगा इसमें कुल मिला के लगभग ये मिलते जुलते ही लग रहे हैं, तो इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और विज्ञान या गणित से आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 75 150 और ये 50, तो ये हो गए कुल मिला के 200 और उधर 100, तो कह सकते हैं कि 300 में आपका इसमें मेरिट बनना है। तो ये है कुल मिला के आपका 1 to 5 के जो टीचर सहायक आचार्य के अंतर बनेंगे उनके लिए पाठ्यक्रम। बाकी क्या और डाउट रह गए हैं ज़रूर आप लोग बताइएगा, किसी तरह का मुझे लगता है कि अगर डाउट है तब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर भी मेरे ख्याल से कुछ बताने जैसा है क्या, चलो नहीं, 1 सेकेंड।
अच्छा और तो नहीं बताना था, और कुछ था नहीं, तो इतना ही था। तो चलिए, अगर कुछ और आपके डाउट इस इसमें भरने से संबंधित रह गए हैं, देखिए इसके लिए वो जो विंडो था वो ओपन हो चुकी है, आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, मैंने ट्राई करा था, तो आप फॉर्म भरिए, या फिर उससे पहले और कुछ डाउट होगा तो ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपका प्रश्न होगा कि कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दिया जा सकता है तो दे दिया जाएगा, अदरवाइज वीडियो बनानी पड़ी तो बनाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के यहीं आज ख़त्म करते हैं, चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लग जाइए, मेरे ख्याल से जल्दी तिथि आएगा यही कह सकते हैं। चलिए धन्यवाद।